नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हमने ब्रह्म राक्षस को भाग एक में देखा, अब भाग दो में कुछ अन्य बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मुक्तिबोध ने इस रचना को क्यों लिखा? यह समझने लायक है कि मुक्तिबोध पर एक तरफ व्यक्तिवाद का प्रभाव था तो दूसरी तरफ समाजवाद का प्रभाव था। मुक्तिबोध समाजवादी थे लेकिन साथ ही व्यक्तिवादी भी थे। इस बात पर अडिग थे कि समाज को बदलने से पहले व्यक्ति को बदलना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने लिखा, जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, पर मैं वो हो नहीं पाता। मुक्तिबोध जानते थे इस बात को कि जब तक व्यक्ति अपना आत्म संशोधन नहीं करेगा, व्यक्ति जब तक सक्रिय नहीं होगा, तब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक समाजवादी आदर्श स्थापित नहीं होंगे। इसलिए समाज को सुधारने के पहले उन्हें व्यक्ति के सुधार को महत्व देना पड़ा। मानते थे कि व्यक्ति यदि सजग हो जाए तो समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। परंतु ब्रह्म राक्षस कविता में, जो कि सामंतवाद और पूंजीवाद के संक्रमण पर लिखी गई कविता, उन्होंने यह संकेत दिया कि यह ब्रह्म राक्षस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी समूह का परिचायक है और किस प्रकार मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी छद्म चेतना से ग्रसित रहा है। उसकी आकांक्षाएं कुछ हैं, महत्वाकांक्षाएं कुछ, वह चाहता कुछ, वह जाए तो कहाँ जाए यह तय नहीं कर पाता। वह निम्न वर्ग के हितों के लिए जिए या पूंजीवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिए, ऊपर के सुखों को भोगे या निम्न वर्ग के लिए जिए, वह तय नहीं कर पाता। इसीलिए वह पीस रहा है, आत्मसंघर्ष का शिकार है। तो दोस्तों, उन्होंने लगभग अपनी सभी कविताओं में मध्यम वर्गीय जनता या मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की इस कमी को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा भी कि मध्यम वर्ग है रे कृतदास, यह मध्यम वर्ग वाकई में कृतदास है, वैचारिक गुलाम है, यह सिर्फ वैचारिक जुगाली करता है, बौद्धिक तर्क जाल बुनता है, ज्ञान विज्ञान की राजधानी है, यह जानता सब कुछ है परंतु कर कुछ नहीं पाता, सामाजिक सक्रिय नहीं है, या यह कहा जाए कि सक्रियता के स्तर पर यह नगण्य है, पूरी तरह निष्क्रिय है, यह हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ वर्ग है, यह सिर्फ बड़ी बड़ी बात करता है, फेंकता है सिर्फ, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है लेकिन बांधे कौन। मध्यम वर्ग रास्ता दिखाना तो चाहता है लेकिन स्वयं उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता, यही इसकी पीड़ा है। यह अपने ज्ञान को सामाजिक सरोकारों से जोड़ नहीं पाता। इसलिए ब्रह्म राक्षस की पीड़ा है, वह ज्ञानी है, वह महाज्ञानी है लेकिन अपने ज्ञान को सामाजिक सरोकारों से जोड़ नहीं पाता और इसीलिए अहंकार से पीड़ित है, इसलिए चिढ़ा हुआ है, खिझा हुआ है और गुफा की बावड़ी में, खंडहर की बावड़ी में बड़बड़ा रहा, अपने से चिढ़ा हुआ है, संस्कृत की गालियों का ज्वार उठा रहा है। वह संसार के सभी ज्ञान विज्ञान, सभी दर्शन की व्याख्या करने की क्षमता रखता है परंतु सामाजिक सरोकारों को लेकर वह पूरी तरह नगण्य है। यूं कहा जाए कि उसमें सक्रियता का अभाव है, निष्क्रिय। आज का मध्यम वर्ग इसी ब्रह्म राक्षस का परिचायक, या यह कहा जाए कि ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं, आज के मध्यम वर्गीय समाज का प्रतिनिधि है, जो सब कुछ जानकर भी मौन है, मूक है, वह ज्ञानी है। याद रखिए, जब भी ज्ञान संवेदना से रहित हो तो अहंकार उत्पन्न करता है, और यदि ज्ञान का सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव न हो, ज्ञान यदि समाज के फायदे के लिए ना हो, तो वह ज्ञान खीज उत्पन्न करता है, चीड़ उत्पन्न करता है। इसलिए कविता का नायक ब्रह्म राक्षस खीझा हुआ है, बड़बड़ा रहा है, चिढ़ा हुआ है,
वह सब कुछ को ध्वस्त कर देना चाहता है। अहंकार के कारण उसे लगता है कि तमाम भौगोलिक शक्तियां, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, सब कुछ उसके सामने मानो झुके हुए। वास्तव में मध्यम वर्ग ज्ञान का गुरुडम धारण किया हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस स्वयं को गुरु मानता है, उसी प्रकार मध्यम वर्ग वास्तव में ज्ञान विज्ञान का गुरुडम है। वह राजधानी, उसके पास संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान है, लेकिन किस काम के? जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस अपने अंतिम समय में यह जान पाता है कि अच्छे और बुरे का फर्क क्या है, वह जान पाता है कि सामंतवाद से बेहतर पूंजीवाद और पूंजीवाद से बेहतर समाजवाद, लेकिन संघर्ष उसका इतना गहरा रहता है कि यह जानता है जैसे कि समाजवाद सबसे बेहतर है, निम्न वर्ग या सर्वहारा के लिए ही उसे कार्य करना है, परंतु अपने निर्णय को कार्य रूप दे पाता, क्रियाशील बनाता, उसके पहले ही संघर्ष के कारण उसकी जान चली जाती है। आज का मध्यम वर्ग भी ऐसा ही है। वह जीवन भर जब तक नौकरी करता है, रिटायरमेंट तक भागता रहता है महत्वाकांक्षाओं को जुटाने के चक्कर में, और जैसे यह जान पाता है कि वास्तव में उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परंतु फायदा क्या, वह भी अपने निर्णय को निष्कर्षों से जोड़ नहीं पाता, जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस अपने निर्णय को निष्कर्षों से नहीं जोड़ पाता, वह कई गुरुओं के पास भटकता है। इसलिए इस रचना का काव्य नायक अंत में कहता है, काश मेरा उससे उन्हीं दिनों उससे होती मुलाकात, तो मैं जीकर बताता स्वयं उसकी महत्ता का क्षण। परंतु आज के मध्यम वर्ग को बताए कौन कि यह कितना महत्वपूर्ण है, यह समाज के लिए कितना लाभकारी है। पीड़ा यह है कि आत्मसंघर्ष का शिकार है यह मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी। ऐसा नहीं कि यह बुरा है। जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस का हृदय स्फटिक पत्थर की तरह पारदर्शी है, उसी प्रकार इस मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी जनता का हृदय भी पारदर्शी है। यह अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु समाज के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अपनी उपयोगिता को क्रियाशीलता से जोड़ पाने में यह सक्षम नहीं, और इसीलिए ब्रह्म पिशाच बना अपनी अतृप्त इच्छाओं को लिए। जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस खंडहर की बावड़ी में अपराध बोध को, पाप छाया को धोने के लिए स्नान कर रहा है, उसी प्रकार आज का मध्यम वर्ग प्रायश्चित कर रहा है। वह कभी बीते दिनों को याद करता है, कभी पुरानी स्मृतियों में डूबता है, आज की पीढ़ी को देखकर कभी कोसता है। तो दोस्तों, यह कविता सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच फंसे आज के मध्यम वर्गीय समाज के आत्मसंघर्ष को व्यक्त करती है, और साथ ही इसमें व्यक्तित्वांतरण भी है। मध्यम वर्ग ऐसा नहीं बदलना नहीं चाहता, वह चाहता है बदलना, लेकिन जब तक वह बदलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जिस प्रकार ब्रह्म राक्षस बिखरा पड़ा है, झाड़ियों में जिस प्रकार उसकी लाश अटकी हुई है, उसी प्रकार यह मध्यम वर्ग पहचान संकट को लिए मर जाता है, बिछड़ जाता है, और जब तक संघर्ष में जीता है तब तक सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को साधता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस भाग दो से भी आपको ब्रह्म राक्षस समझने में मदद मिलेगी। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।